कांग्रेस SC वर्ग का आयोजित हुआ था सम्मेलन। संविधान में स्वाभिमान यात्रा के तहत राजस्थान प्रभारी रविंदर दलवी आए अजमेर। बताया देश में दलितों के साथ हो रहा है अत्याचार। संविधान से स्वाभिमान यात्रा के तहत कल राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रविंदर दलवी अजमेर आए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष फिर जैन, पूर्व मेयर कमल बाकुलिया भी उपस्थित हुए। इस मौके पर रविंदर दलवी ने कहा कि देश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहा है, इसलिए हम इस चीज को खत्म करने में एकजुट है और आगामी चुनाव में जीत कर फिर से भाईचारा लाएंगे। आज पूरे राजस्थान में जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हो, आज इस माहौल की एक इस कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के दिए गए निर्देश के अनुसार पूरे राजस्थान में हमने संविधान से स्वाभिमान यात्रा के दरमियान जो राजस्थान में 34 सीटों का जो हमारा दौरा, आज हम अजमेर में आए हैं और उसी के कड़ी में आज संविधान के स्वाभिमान यात्रा का एक सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, देश के हालात ठीक नहीं है। देश में जिस तरीके का माहौल आज केंद्र की और प्रदेश की सरकार आने के बाद जो दलित, वंचित, बहुजन समाज जो हालात में जी रहा है, उसके ऊपर खाने के ऊपर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने क्या खाना चाहिए, उन्होंने क्या पहनना चाहिए, उन्होंने क्या बात रखनी चाहिए, उन्होंने क्या लिखना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें इस देश के लिए दिया, इस संविधान के मुताबिक स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति स्वातंत्र, इसका हनन होने जा रहा है। इनके अधिकारों को छीना जा रहा है, दलितों के अधिकार को और दलितों के लिए सुरक्षात्मक जो कानून बनाए गए, इस कानून को कमज़ोर करने का प्रयास इस देश में हो रहा है। और उसी में सबसे ज़्यादा अगर दलितों के उत्पीड़न की संख्या अगर किसी प्रदेश में हो रही है तो दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि राजस्थान में हो रही है। आपने भारत बंद के दौरान देखा होगा, भारत बंद के दौरान 2 अप्रैल के बाद में जो हादसे हुए, वहाँ पर दलितों को मारा गया, पीटा गया, जो लोग जिन्होंने कुछ भी गुनाह नहीं किया था आज वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इसी को सबके इसमें आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने संविधान से स्वाभिमान यात्रा निकाली है और उसी के कड़ी में आज यहाँ पर यह सम्मेलन हो रहा है। आने वाले 7 तारीख को चुनावी तो घोषणा हो चुकी है। 7 तारीख को बाबा साहब ने जो हमें संविधानिक एक वोट का अधिकार दिया है, वो दलितों को आज ये संविधान ने दिए हुए अधिकार का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इससे यहाँ पर चर्चा होगी। और जो 7 तारीख को जो वोटिंग होगा वो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, जो आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जाने के बाद दलितों के, पीड़ितों के, वंचितों के, आदिवासियों के हित के बाद महिलाओं के हित के लिए जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अजमेर में और अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आपने ये पहले ही सिद्ध कर दिया है कि उपचुनाव में यहाँ पर सांसद कांग्रेस पार्टी का जीत कर आया है। आज इसी माहौल में आज 7 तारीख को जब चुनाव होगे तो 11 तारीख को जब चुनाव का घोषणा ये निकले निकाल आ जाएगा तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस प्रकार का माहौल मैंने पूरे राजस्थान में जब 32 जिलों का दौरा कर यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने ये माहौल देखा है। आज के दौर में कार्यकर्ताओं को यही कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिस संविधान के मुताबिक इस देश को चलाने की जिम्मेदारी देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल के सहकारी हो या मुख्यमंत्री हो, उन्होंने आम जनता को जब पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके खिलाफ के कानून बनाए जाते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ गया है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, महिलाओं के अन्याय अत्याचार की संख्या बढ़ी है, यहाँ पर जिस प्रकार से महंगाई रोकने की बात होनी चाहिए लेकिन महंगाई चरम सीमा पर है, आज यही बातों को हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर ये चर्चा हम करने जा रहे हैं।